नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बीती 25 जुलाई को एक बार फिर से पूरे देश ने दसियों सुंदरी पूनम देवी की कहानी के बारे में पढ़ा सुना, एक बार फिर से उनकी जिंदगी के पन्नों को पलटा। लेकिन एक पीढ़ी ऐसी भी है जो पूनम देवी को उनके ऊपर बनी फिल्म बैंडिट क्वीन के चलते जानते हैं। पूनम देवी के जीवन के संघर्षों को बैंडिट क्वीन फिल्म ने अभिनेत्री सीमा विश्वास द्वारा पर्दे पर उतारे गए संघर्षों से जोड़कर देखते हैं। कम ही लोग जानते होंगे कि इस फिल्म को पर्दे पर उतारने में निर्देशक शेखर कपूर और पूरी यूनिट को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। फिल्म में बोल्ड सीन और गाली गलौज से अलग फिल्म का वह रेप सीन बेहद क्रूर था, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर शेखर कपूर का कहना था कि लोगों की संवेदनहीनता को दिखाने के लिए वह सीन काफी अहम है। इस सीन की वजह से ये फिल्म काफी विवादों में भी रही थी। ये सीन सीमा ने किया था। इस सीन में सीमा की जगह उनकी बॉडी डबल का इस्तेमाल किया गया था, सीमा ने बताया। हालांकि इसकी शूटिंग के वक्त डायरेक्टर और कैमरामैन के अलावा किसी को अंदर आने की इजाजत नहीं थी, लेकिन इस सीन में इतनी क्रूरता थी कि इसकी वजह से शूटिंग के बाद पूरी यूनिट रोई थी। सीमा ने बताया कि इस फिल्म के बारे में मेरे घर वालों को भी पता था। इसके रिलीज होने से 2 साल पहले एक अनसेंसर्ड कॉपी उन्हें घर पर दिखाई गई थी। उन्होंने बताया कि कमरे में लाइट बंद थी ताकि किसी को पता ना चले कि अंदर कोई फिल्म देख रहा है। सीमा के पिता ने यह फिल्म देखकर कहा, यह रोल तो केवल हमारी सीमा ही कर सकती है। पिता से यह सुनकर सीमा काफी राहत हुई थी। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। लगातार देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए बने हमारे साथ और देश दुनिया की। कि आप जानते हैं कि घर बैठे आप अपनी स्वास्थ्य समस्याओं का सलूशन पा सकते हैं सॉफ्ट केयर मोबाइल ऐप के द्वारा। अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 9472981111, 9472982222। सॉफ्ट केयर ऐप, सॉल्यूशन एट योर फिंगर टिप्स। 22 वर्षों का विश्वास, 10,000 से ज्यादा डॉक्टर्स, गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट।